मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान बुधवार को शांतिपूर्ण तरीके संपन्न हुआ। पहले चरण में 133 नगरीय निकायों में मतदान हुआ, जहां मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चला। इसके लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। पहली बार मतदान करने वालों में खुशी भी दिखाई दी। वहीं वार्ड क्रमांक 11 में रहने वाले वृद्ध 98 वर्ष के बाबूलाल सोनी ने अपने मत का प्रयोग किया। नगर में करीब 84% मतदान हुआ है। प्रथम चरण में नगर परिषद बेटमा में 15 वार्डों में खड़े हुए 48 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी के भाजपा को समर्थन देने के बाद अब बचे 47 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। नगर के 12,220 में से 10,168 मतदाताओं ने मतदान का उपयोग किया है। नगर में बनाए गए 17 मतदान केंद्रों पर मतदाता सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए थे, लेकिन केंद्रों पर ज़्यादा भीड़ नहीं आई। वहीं अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने के कारण लोगों को मतदान करने में 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगा, जिसमें कतार लगने की नौबत नहीं आई। एक बड़ी वजह यह भी रही कि कुछ वार्डों में आमने सामने की टक्कर रही, जिसमें लोगों को चुनाव चिन्ह भी नहीं ढूंढने पड़े और ईवीएम से मतदान जल्दी जल्दी हो गया। मतदान केंद्रों की बात करें तो रावला स्थित निजी स्कूल में 4 वार्ड में मतदान केंद्र होने से गहमा गहमी का माहौल बना रहा। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस और प्रशासन पूरे समय मुस्तैद दिखाई दिया। इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। इस लोकतंत्र के महायज्ञ में सभी हिस्सा लें, सब अपना वोट दें, मतदान दें। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इस बार मतदान करा है और पहली बार था हमारा, और बहुत खुशी हो रही है मुझे। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि सब आए और मतदान करें। धन्यवाद। त्रिस्तरीय आदर्श आचार संहिता के अक्षरशः पालन कराते हुए बेटमा नगर परिषद का चुनाव अभी संपन्न हुआ। कहीं से कोई अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। इसमें बेटमा नगर वासियों का, प्रत्याशियों का और हमारे पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन सबका लगातार अथक मेहनत, प्रयास और योगदान रहा। नगरीय निकाय चुनाव के मतदान पूर्ण हुआ। इंदौर नगर निगम के 14, 15 और 16 नंबर वार्ड में मतदान अच्छा हुआ है। उसके बाद देपालपुर, बेटमा, गौतमपुरा और हातोद, ये 4 नगर पंचायत में हम घूमे। चारों नगर पंचायतों में बहुत अच्छा मतदान हुआ। कहीं 80%, कहीं 90% ऐसा मतदान हुआ है। और यह बड़ा हुआ मतदान यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनमानस है, मत है, और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से विजयी होगी और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का विजय होगी। बेटमा में नगर परिषद में अपने 15 वार्डों में 17 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से अभी तक शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। कहीं कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न हुआ है। 11 बजे तक अपना 45% मतदान हो चुका है और मतदाताओं में भी काफ़ी उत्साह है। सभी मतदाता निर्भीक होकर शांतिपूर्ण ढंग से अपना मतदान कर रहे हैं। सर, पहले से कोई मशीन वगैरह खराब नहीं, अपने यहाँ कहीं कोई मशीन ख़राब नहीं हुई है। सब मशीनें सही चल रही हैं अभी तक। और अपने लिए उसके लिए बैकअप की व्यवस्था भी है, इंजीनियर भी है, मास्टर ट्रेनर भी हैं। कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान तत्काल करेंगे। 5 बजे तक है मतदान। 5 बजे तक जो परिधि में आ जाएगा वो, हाँ, 5 बजे तक जो भी परिधि में रहेगा उसको या तो मतदान हो जाएगा। यहाँ जहाँ कहीं अगर कुछ लोग रह जाएंगे तो उनको पीठासीन अधिकारी पर्चियाँ दे देंगे और उन विधिवत सभी लोगों को मतदान करने का अधिकार मिलेगा। भास्कर गाशले, तहसीलदार। मैं नाजनीन खान अपना वोट देकर अपने अधिकारों से अधिकार के लिए वोट दिया है और मैं चाहती हूँ सभी जनता अपने अधिकार के लिए वोट दे। और मतदाता सभी के लिए आवश्यक है और अपने वार्ड के सही नागरिक को चुनकर ही मतदाता मतदान करे। आपने वार्ड में आज मतदान किया है आपके वार्ड के पार्षद के लिए, तो आपने क्या आपके वार्ड की कौन सी अच्छी समस्या या विकास को लेकर आपने किया है? हमारे वार्ड क्रमांक के बहुत जो भी पार्षद को हमने वोट दिया है बहुत समझ के दिया है, क्योंकि हमको एक अच्छा पार्षद चाहिए जो हमारे वार्ड में कार्य कर सके। हमको हमारे वार्ड में सबसे पहले वो पानी की जो गंदी व्यवस्था हो रही है उससे मच्छर बीमारी बहुत फैल रही है और हम चाहते हैं कि सबसे पहले वो समस्याएं ख़त्म हो जाए। और हमारे घर के सामने एक मंदिर है, वहाँ पे भी उन लोगों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, उस मंदिर को भी बहुत अच्छा बना दिया है। तो हम चाहते हैं कि बस वो पानी की व्यवस्था ख़त्म हो जाए और वो मंदिर वापस से पूजा पाठ के लिए स्टार्ट हो जाए। जैसा कि आज मध्य प्रदेश में 133 नगर निकाय चुनाव में वोटिंग मतदान जारी है और इसमें 11 नगर निगम
36 नगर पालिकाएँ और 86 नगर परिषदों में ये मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से जो चालू हुआ है मतदान, ये शाम को 5 बजे तक चलेगा। बेटमा में हम इस समय मौजूद है एक मतदान केंद्र पर, जहाँ पर मतदान आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, मतदान जारी है और लोग इसमें उत्साह से अपने वार्ड का प्रतिनिधि चुनने के लिए इसमें लगे हुए हैं। हमारे बीच हमारे तहसीलदार साहब मौजूद है, श्री भास्कर जी कासले, हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे कि क्या चल रहा है इस समय मतदान को लेकर, क्या प्रोसेस चल रही है और क्या अभी तक का रुझान रहा है। सर जी नमस्कार, आपका स्वागत है। मतदान बेटमा में शांतिपूर्ण प्रातः से चल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है और हर प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरे पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। सब मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर रहा है, किसी प्रकार किसी को कोई दबाव नहीं है और सब शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और शांतिपूर्ण ही चलता रहेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। 5 बजे तक मतदान चलेगा, 5 बजे समाप्त हो जाए। सर, बुज़ुर्गों को लेकर के जिनको चलने में दिक्कत है या कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मतदान केंद्र पर क्या व्यवस्था है शासन की तरफ से? बुज़ुर्गों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था करी गई है सभी मतदान केंद्रों पर, जहाँ पर व्हीलचेयर है, बाकी वहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी बुज़ुर्गों या विकलांग लोग आ रहे हैं उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। जी सर, धन्यवाद। हमारे साथ बेटमा नगर के CMO सुशील जी भी मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि बेटमा में इस समय जो मतदान चल रहा है उसमें अभी तक की क्या स्थिति बनी और अभी तक कितने प्रतिशत हो चुका है? जी सर, बेटमा नगर परिषद में हमारे जो 15 वार्डों में 17 मतदान केंद्रों में चुनाव चल रहा है और सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। हमने बारिश की को देखते हुए वाटरप्रूफ टेंट भी लगवाए हैं और कहीं पर बुज़ुर्ग अगर आ रहे हैं तो उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था भी कराई है और अभी 11 बजे की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 45% जो है हमारे शहर में मतदान हो चुका है। सर धन्यवाद। तो आपने देखा इस समय मतदान की प्रोसेस चालू है, मेरे पीछे आप लोगों को देख सकते हैं मतदान प्रोसेस चालू है, सभी मतदान केंद्र में लगे अपने मतदान को अपने मत का उपयोग करने में लगे हुए हैं। राजेंद्र सूर्यवंशी, कैमरामैन सुनील मेघाए के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।